चलो नेक्स्ट, ये कहता है एक बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए। अगर एक बॉडी है SSM कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, हम पहले से जानते हैं, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। अब देखो ये बॉडी SSM करती है, मीन पोजीशन से चलती है, यहाँ से चलती है, इधर जाती है, रुकेगी, वापस आएगी, रुक नहीं पाएगी, इधर चली जाएगी, रुकेगी, वापस आएगी, एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक, फिक्स एम्पलीट्यूड, फिक्स टाइम पीरियड लेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। अब इसका कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी 1/4 टोटल एनर्जी, जो कंडीशन दिया हुआ उसको कॉपी कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। What is the potential energy of this oscillation? Already we know potential energy जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छी वाली बात। अब इसको amplitude के टर्म में लिखे ना, तो a body execute simple harmonic motion amplitude a, a word displacement from mean position, potential energy is 1/4 of total energy। अभी जो potential energy है वो हाफ के एक्स स्क्वायर इसके फॉर्मेट में आ गया। अब ये x की वैल्यू निकालना है डिस्प्लेसमेंट, किस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे, समझना क्वेश्चन। यहां से एक खास स्पेशल डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है x, इस डिस्प्लेसमेंट पे ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल की 1/4 है, तो हमें यही तो x निकालना अननोन, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब लिखते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी होती है हाफ के स्क्वायर, जो कि फिक्स होती है, कभी ऑसिलेट नहीं करती, कभी वेरी नहीं करती है। तो यहां से ये दोनों उठा के यहां रख दे, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 गिवन कंडीशन से टोटल एनर्जी हाफ के एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर। तो हाफ के कॉन्स्टेंट था, इसको खत्म कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बाई टू। ये स्पेशल डिस्प्लेसमेंट है, दो पोजीशन ऐसे पॉसिबल है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल का 1/4 है, यहां से प्लस एक्स इधर और यहां से माइनस एक्स इधर, यहां ये माइनस एक्स इधर चले जाओ और प्लस एक्स इधर चले जाओ, तो यहां से दो पोजीशन पे ये कंडीशन फुलफिल होता है। दैट इज मतलब हम लोगों का ए ऑप्शन सही है, जो प्लस ए बाई टू दिया हुआ है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, जब तुम खुद ट्राई करोगे तो तुम्हें बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और तुम्हें